अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफरोज़ मुगल। पेश है आज की अहम खबर। और यहाँ भी आपको बताएं, कराची के इलाके बल्दिया टाउन के यूसुफ कोर्ट में 60 लाख रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कलेक्टर की जानिब से पीएमटी उतारे जाने के बाद शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया, जो कई घंटे से जारी है। पुलिस के मुताबिक कलेक्ट्रिक ने यूसुफ गोट की पीएमटी बिल की अदम अदायगी पर उतार दिए, जिस पर इलाके मकीनों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। मुजाहरीन में यूसुफ गोट के करीब हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इलाके मकीनों का कहना है कि इलाके में बिजली बहाल हो गई तो धरना खत्म कर देंगे। कलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक बिल की अदायगी के बगैर बिजली फराहम नहीं कर सकते। जांच के बायस हब रिवर रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, सैकड़ों कंटेनर ट्रक बसें और गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई हैं। पुलिस की भारी नफरी हब रिवर रोड पर मौजूद है, ताहम इंतजामिया का कोई एहलकार मौके पर नहीं पहुँच सका। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बलूचिस्तान आने और जाने वाले ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर भेजा जा रहा है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।